नमस्कार, वेलकम टू एकता होम फूड्स। आज हम बनाएंगे कुछ अमृतसर से, क्योंकि मैं अमृतसर से हूँ तो मैं हर बार अमृतसर तो जा नहीं सकती कि मैं अमृतसर की वड़ियाँ खरीद के ले आऊँ, पापड़ बना लूँ। हाँ, पापड़ तो मैं नहीं बना रही अभी, लेकिन वड़ियाँ ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने बनाई है। एक बार ट्राई की थी तो बहुत अच्छी बनी थी, तो मेरा मन खुश हो गया कि मैंने अमृतसरी वड़ी घर में बनाई है। तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी जो है मैं शेयर करती हूँ। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये उड़द दाल है, ये मैंने उड़द दाल 150 ग्राम उड़द दाल को रात को भिगो दिया था और सुबह इसका पानी निकाल दिया छन्नी में। और अब इसको मैं कपड़े पे, जो कपड़ा मैंने रखा है यहाँ, इसके ऊपर डाल करके थोड़ी देर हवा में इसको सुखाऊंगी, करीबन आधा घंटा, ताकि इसका जो पानी है ना, बिल्कुल नहीं ड्राई करना, लेकिन पानी दाल के, जब आप इस तरह हाथ में पकड़े तो दाल के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए। जैसे भी हमारा हाथ जो है गीला हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, तो नहीं तो फिर वो शेप नहीं आती बढ़िया सी। तो इसको मैं जरा कपड़े पे रख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को और क्या क्या सामान हमको चाहिए होगा। इस तरह से हम इसको कपड़े पे निकाल देंगे। हाथों से काम करना थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। तो ये जो है, इस तरह से इसको हम फैला देंगे, ताकि ये साथ साथ मैं आपसे बताती जा रही हूं, तो ये थोड़ी देर में इसका पानी भी जो है सूख जाएगा, नहीं तो बहुत गीली सी हो जाती है दाल ना, तो वो वड़ियों की शेप नहीं आती है बिल्कुल भी उसमें फिर। तो ये जो है इसको मैंने फैला दिया, तब तक मैं आपसे बात करती हूँ कि हमको क्या क्या सामान चाहिए। ये इसके लिए जैसे 150 ग्राम हमने उड़द दाल ली है, तो उसके लिए हमने ये एक चम्मच भर के मैंने लिया है धनिया साबुत वाला, उसको हल्का सा दरदरा कर लिया है दौरी डंडे में कूट के, या आप चकले बेलन पे भी उसको थोड़ा सा कूट सकते हैं। ये देखिए बहुत साबुत नहीं है और इसके टुकड़े टुकड़े से हो गए हैं दरदरा। ये कम से कम मैंने 10-12 लवंग है जो हुई, वो भी मैंने पत्थर पे हल्की सी कूट ली है। ये एक चम्मच सौंफ लिया है मैंने, एक चम्मच भर के मैंने जीरा लिया है, और जीरा ये है, और ये हींग है 1/4 टीस्पून, और ये मोटी इलायची 2 लिए हैं, उसके मैंने दाने निकाल लिए हैं, और ये एक चम्मच भर के मैंने काली मिर्च साबुत ली है, जिसको कि मैंने हल्का सा कूट लिया है, तो वो साबुत दाने भी हैं इसमें और उसका पाउडर भी है, और ये 2 साबुत लाल मिर्ची जिसको मैंने कैंची से कट कर लिया, और इसके ये बीज वगैरह सब मैंने इसमें यूज करने हैं। तो ये मसाले जो हैं हमको चाहिए होगा, प्लस हमें मतलब कि हम बड़ी बड़ी जो शेप बाजार में आते हैं, वैसी तो मैं नहीं बनाती हूँ, मैं छोटी छोटी बनाती हूँ क्योंकि वो बड़ी हैंडी होती है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, जब मैं उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा ऑयल लिया हुआ है, और ये जो छोटी मधानी छोटी ये दौरी डंडा जो होता है ब्रास वाला, उसकी ये डंडी है, तो उससे क्या करती हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा जब बनाती हूँ बढ़िया, उसके अंदर इसको ऑयल में डिप करके थोड़ा होल कर देती हूँ, तो वो छोटी सी कैप की तरह से बन जाती है। वो मैं जब आप बनाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। दूसरा हमको चाहिए होगा फूड प्रोसेसर, कि फूड प्रोसेसर में जो है ये जो ब्लेड होता है, ये वाला ये ब्लेड हम इसके अंदर डालते हैं, और साथ में ये जो ब्लेड है स्टील वाला, ये हम यूज करते हैं। इसमें डाल के हम दाल को पीसेंगे, ना कि मिक्सी में। मिक्सी में क्या होता है कि बहुत ज्यादा दाल पीस जाती है, तो वो उसका मजा नहीं आता वड़ियों का। जो थोड़ी उबर खाबर सी कोर्सली ग्राउंडेड टाइप दाल होती है, वो जो है, तो वो इसमें फूड प्रोसेसर में थोड़ा आसानी से जिस टेक्सचर की हमको चाहिए वो आ जाता है। तो अब हम इसको थोड़ी देर, मैं इसको कम से कम 20 मिनट जो है फैन ऑन करके छोड़ देती हूँ, इस दाल को अच्छे से थोड़ा सूखने देती हूँ, उसका पानी सूखने देती हूँ। या तो आप इसको फैन में सुखा लीजिए, या तो इसको आप धूप में भी थोड़ी देर रख देंगे, तो वह पानी हल्का सा मॉइस्चर जो है सूख जाएगा। ये मैंने दाल को, मैंने बोला था ना आपको कि या तो आप फैन में सुखा लो या तो धूप में, तो मैंने इसको धूप में थोड़ी देर रख दिया था 15 मिनट। तो ये अब देखिए इसमें ना बिल्कुल पानी नहीं है, अब आप देख सकते हो मेरे हाथों में कहीं पानी नहीं लग रहा है। तो ये कपड़े से भी थोड़ा सा हमने इस तरह से इसको पोंछ लेना है, ताकि इसका पानी जो है निकल जाए, और फिर हम इसको जो है ये फूड प्रोसेसर जो मैंने आपको बताया, फूड प्रोसेसर में डाल देंगे इसको हम। और इसमें मैं इसको अब थोड़ा सा पीस लेती हूँ, ये मैंने फूड प्रोसेसर में इसको पीस लिया है, कि देखिए किस तरीके से ये दाल हुई है इसके अंदर, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए इस तरीके से ये दाल हो गई है, बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं है, साथ ही गाढ़ी भी है ये। तो इसको जो है हम एक बोल में अभी निकाल लेते हैं, ताकि बाकी मसाले जो है हमको इसमें ऐड करने होंगे। तो
फूड प्रोसेसर का आइडिया बहुत ही अच्छा है। और इसमें ना हमने नमक नहीं डालना, जहां हमने नमक डाला वहीं इसका पानी छोड़ना शुरू हो जाता है, दाल वगैरह या कोई भी चीज होती है ना पानी छोड़ती है अगर आप नमक डालेंगे, तो हमने इसमें नमक भी बिल्कुल भी नहीं डाला है। अगर आप हाथ से करना चाहते हैं इसमें हाथ से भी आप करिए, हाथ से एक्चुअली बेटर होता है। और ये जो सारे मसाले मैंने लिए हैं जो कि मैंने आपको बताया था, काली मिर्ची काफी सारी ली है क्योंकि ये बहुत तीखी होती है, आपने देखा होगा अमृतसरी बढ़िया बहुत तीखी होती है, तो काली मिर्च कम से कम मैंने ये एक चम्मच भर के काली मिर्च ली है, और यही चम्मच भर के धनिया है, थोड़ा सा कम जीरा है, उससे थोड़ी सी कम सौंफ है, लौंग 10-15 दाने हैं, ये 2 बड़ी लाल मिर्ची है, साबुत हींग है और मोटी इलायची जो कि मैं दोबारा आपको बता रही हूँ। तो ये सब चीजें जो है हम इसमें ये ऐड कर देंगे, जितने मसाले हमने लिए थे। ये सब हमने इसमें ऐड करके इसको हमने मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। एक्चुअली तो आप हाथ ही यूज करें तो अच्छा होगा क्योंकि ये सब काम ना चम्मच से नहीं होते, और मैं हाथ से ही यूज करती हूँ। तब तक एक बार मैं हाथ को जो है तेल जो है इसमें लगा लेती हूँ अपनी, जिस प्लेट में मैंने बढ़िया बना के रखनी है तो उसमें मैं ये इस तरह से तेल लगा दे के रख देती हूँ, और फिर मैं इनको हाथ से करती हूँ क्योंकि ये चम्मच से करना मेरे बस की भी बात बिल्कुल नहीं है। इस तरीके से ये हाथ से हम इसको पूरा मैश मिक्स कर देंगे मसालों को वड़ियों के साथ में। और अगर आप चाहिए तो काली मिर्च जो है आप पिसी हुई भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी अच्छी रहती है। ये मिक्स हो गया मसाला, और जरा सा मैं इसमें जो है ऑयल ऐड कर देती हूँ ताकि हमको हैंडल करने में थोड़ा इजी हो जाएगा इस बैटर को, या आप अपने हाथ में ऑयल लगा के थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा के मैं मसाले में हाथ से थोड़ा इनको मिला लीजिए ऑयल लगा के। तो अभी जो है हम इसके छोटे छोटे जो है वड़ियां बनाएंगे, वो हम कैसे बनाएंगे, ये थाली में हमने ऑलरेडी ऑयल लगा के रखा हुआ है, तो इसमें मैं अगर आप चाहें आप बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, बड़ी बड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है थोड़ी छोटी छोटी बनाती हूँ। हम क्या करते हैं, छोटे छोटे गोले पहले बना लेते हैं, इसके जितनी बैटर है उस पूरे का इस तरह से छोटे छोटे गोले बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। ये इस तरह से इसके मैंने गोल गोल बना लिया, और ये 150 ग्राम दाल की 16 वड़ियाँ हमारी बनके तैयार होगी, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि ये इसको हम क्या करेंगे। इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से तेल में डुबाऊंगी और इसको इस तरह से प्रेस कर दूंगी धीरे से, और ऐसे गोल घुमा दूंगी, तो ये जो है ना वड़ियों का शेप आ जाएगा जो बाजार में मिलती है ना, जिस तरीके से वड़ी उस तरीके का, आप देखो ऐसे इस तरीके से। फिर से वही सेम चीज में हर एक वड़ी में या हाथ में पकड़ के थोड़ा सा इसको इस तरह से मैं दबा के इसको एक शेप दे दूंगी वड़ी वाली, तो ये ना बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बाजार की है लेकिन मिनी वड़ी। इसको थोड़ा सा हम इसको प्रेशर देंगे साइडों से ताकि ये टूट ना जाए, और प्लस इसको हम इस तरह से घुमा के इस तरह कर देंगे। इसी तरह मैं सारी वड़ियों में एक ये टोपी टाइप शेप बना दूंगी इसकी। और इसको ना दो तरीके हैं सुखाने के, या तो आप इसको धूप में सुखा सकते हो और या तो आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हो। ओवन में थोड़ा टाइम लगता है, घंटा भर इसको, घंटा डेढ़ घंटा टाइप इस तरीके से लग जाता है। तो अगर आपके अच्छी धूप आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप अच्छे से आराम से धूप में ही इसको सुखाइए। तो ये मैं दिखाया मैंने आपको कैसे ये घर के सामान से ही कुछ यूनिट ट्रिक लगा के इसको थोड़ा बाजार जैसी शेप दे दी है। तो ये सारी इसको हम इस तरह कर लेती हूँ मैं, ये सारी बढ़िया को मैंने इस तरह कर लिया आप देख सकते हो। और अब मैं इसको धूप में सुखाने रख देती हूँ, जब तक ये सूख जाए, एक दिन लगे चाहे दो दिन लगे, इसको मैं अब सुखाने रख देती हूँ धूप में। ये वड़ियों को मैंने दो दिन अच्छे से अलट पलट करके पूरा सुखा लिया है, और ये देखिए ये बहुत अच्छे से सूख गई हैं, बिल्कुल ड्राई हो गई हैं इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ओनली थिंग इसकी ये बड़ी बड़ी नहीं बनाई है मैंने, छोटी बड़ी बनाई है, बड़ी बड़ी नहीं छोटी बड़ी बनाई है, और लेकिन ये बिल्कुल टेस्ट में बिल्कुल वैसे ही रहती है, बहुत अमेजिंग लगती है। और जिसको हम जब यूज़ करते हैं तो हम इसको फ्राई कर लेते हैं, इस तरह से डीप फ्राई मैंने इसको कर लिया, मैंने सरसों के तेल में किया, कोई भी तेल में कर सकते हैं। ये चार बड़ी मैंने बनाई है, फ्राई करी है, क्योंकि मैं इसको अभी मैंने इसकी सब्जी बना रही हूँ आलू मटर के साथ में, सिंपल टमाटर की ग्रेवी में मैंने बनाई है, मैंने टमाटर और अदरक की ग्रेवी में बनाई है, प्याज लहसुन नहीं डाला है, पर आप प्याज लहसुन अदरक टमाटर वाली जो नॉर्मल ग्रेवी बनाते हैं उसकी सब्जी वो ग्रेवी बना के
हैं मटर के साथ या खाली बड़ियाँ बना सकते हैं, लेकिन ओनली थिंग कि इसको थोड़ा एक सीटी दिलानी पड़ती है, वरना ये इतनी जल्दी कुक नहीं होती हैं। और लौकी में डाल सकते हैं आप इसको, या फिर आप खिचड़ी में डाल सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। तो मैं आपको सब्जी दिखाती हूँ जो मैंने इसकी इसकी बनाई है। ये सब्जी मैंने इन वड़ियों से बनाई है, देखिए बहुत ही टेस्टी और यम्मी सब्जी बनती है। ये 3 सीटी तो मिनिमम आपको लगानी ही पड़ती है अगर आपने ये वड़ी की सब्जी बनाई है तो। जैसे आलू मटर वगैरह मसाले में डाल के वड़ी भी फ्राई करके आपने, जैसे पहले जब मसाला बनाने से पहले आप वड़ी फ्राई कर लो, फिर मसाला बनाओ, फिर आलू मटर या मटर खाली डालनी हो या लौकी डालनी हो, और फिर ये फ्राइड वड़ी भी उसी में डाल दीजिए, और फिर सीटी लगा ये सब्जी को, 3 सीटी लगाएंगे तब ये वड़ियाँ जो है अब गल जाती हैं, नहीं तो थोड़ी हार्ड हार्ड रह जाती है। तो आप भी ये वड़ियाँ बनाइए, वड़ियों की सब्जी बनाइए, खिचड़ी में डालिए या लौकी में डालिए, जैसे भी आपको पसंद हो ये वड़िया यूज़ करिए आप, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको पसंद आई मेरी रेसिपी अमृतसरी वड़ियों की, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।